नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको तो सभी जानते होंगे, ये चरखा है। और हिमाचल के पहाड़ी एरिया में अभी भी ये कल्चर जिंदा है। ये महात्मा गांधी के टाइम पे ये चीज़ यूज़ होती थी, आप सब जानते हैं अगर इंडियन हैं तो। और इसमें धागा बनाने का प्रोसेस इस चरखे के द्वारा किया जाता है। बहुत ही पुरानी तकनीक है, बट आज भी ये लोग इसको यूज़ करते हैं, गांव में खासकर ये यूज़ होता है। मैं आपको चरखे की नेचुरल आवाज सुनाता हूँ, सुनिए। देखा जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल का एक पूरा काम लिया जाता है चरखे से। ये जो आप देख रहे हैं, लेडीज अपनी उंगली से घुमा रही है, इसको जो ये हैंडल कहते हैं चरखे का। और ये एक मोटर का काम भी करती है। और साथ में ये जो आप गोल गोल दो देख रहे हैं, ये जो है एक पुली का काम करते हैं। जो मैकेनिकल फील्ड से हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं जी, एक पुली का काम करती है। और ये जो रोप रस्सी आप देख रहे हैं, ये रोप का काम करती है, जिससे पावर ट्रांसमिशन लिया जाता है इसको घुमाने के लिए। और जब ये घूमता है तो ये एक धागा बनता जाता है। उस धागे को जो है स्वेटर बुनने और कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे चादर भी बनाई जाती है ऊन की। तो ये ऊन जो है भेड़ों से हमें मिलती है, भेड़ बकरी से मिलती है, बकरी से तो नहीं, भेड़ की ऊन जो है अक्सर काम में लाई जाती है। एक पूरा मैकेनिकल वर्क हुआ है, मतलब पूरा है। ये हिमाचल के पहाड़ी गांव में ये कल्चर आज भी जिंदा है, मतलब आज भी लोग इसी तरीके से काम करते हैं। जब सर्दियां पड़ती हैं, बर्फ़ पड़ती है, तो इसी ऊन से धागे बनाकर जैसे अपने पैरों की जुराबें, दस्ताने और स्वेटर तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत गर्म होते हैं। और यहाँ पे चादरें भी बनाई जाती है इसकी, वो एक अलग प्रोसेस रहता है, मैं उसको भी आपको दिखाऊँगा दूसरी वीडियो में। और ये जो आप गोल जैसा देख रहे हैं, इसको हम अपनी भाषा में कुकड़ू कहते हैं जी, कुकड़ू कहते हैं, एक ये देसी भाषा का शब्द है। इस तरह से ये बनाए जाते हैं, धागे में इकट्ठा होता रहता है, फिर इसको काम में लाया जाता है।